निजामुद्दीन जनशताब्दी ट्रेन में शुक्रवार सुबह महिला यात्री की अचानक तबीयत खराब हो गई। सूचना पर आरपीएफ ने बयाना स्टेशन पर महिला यात्री को उतारकर सीएचएसई में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। आरपीएफ ने महिला यात्री के परिजनों को सूचना दी है। आरपीएफ के अनुसार सवाई माधोपुर जिले के छोटी उदयी निवासी 58 वर्षीय किशोरी देवी पत्नी प्रेमराज मीणा जनशताब्दी ट्रेन में बैठकर दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान अचानक उसे सीने में दर्द की शिकायत हुई। तबीयत बिगड़ने पर अन्य यात्रियों ने इसकी सूचना रेलवे प्रशासन को दी। इस पर महिला यात्री को बयाना स्टेशन पर उतारा गया और उसे उपचार के लिए सीएचएसई में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इसमें स्टेशन मास्टर के द्वारा सूचना मिली थी कि एक पेशेंट जो है वो उतारे हैं, हालिए तो उनकी ज़्यादा सीरियस है, सीने में दर्द है। उसके बाद उन्होंने रेलवे डॉक्टर को संपर्क किया, रेलवे डॉक्टर साहब आए, उन्होंने सिटी हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया है।